आपके अपने आसपास के लोग ही हैं जो वो रेप कर रहे हैं आपके पिताजी आपके भाई आपके कजन चाचा मामा ताया का लड़का बाजू में रहने वाला नेबर आपके साथ पढ़ता हुआ स्टूडेंट आपका टीचर, टीचर। ये, ये सारे केसेस के कारण क्या होता है क्योंकि वो आपके समाज के लोग हैं तो ये केसेस रिपोर्ट नहीं होते क्योंकि ये बात घर के घर में रह जाती है जिस देश में मतलब लड़कियों को पूज रहे हैं उसी देश में मतलब लड़कियों के साथ इतनी गलत चीजें हो रही है ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ शायद हिपोक्रेसी है वुमेन पे ही लोग क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि आपने ही छोटे कपड़े पहने हुए या आपको क्या जरूरत थी उनसे बात करने की सेक्शुअल हरासमेंट कैन बीन एनी फॉर्म एनी थेरासमेंट राइट किसी ने गंदी बात करी आपसे गंदे तो से बोला गंदे मैसेजेस फॉरवर्ड करे वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है आपको अपने आप से शर्म आ रही है बताने लायक कंडीशन में नहीं हो, तो वो चीज़ अगर आपको इफेक्ट कर रहा है, तो सेक्सुअल का पार्ट है कोलकाता रेप केस के बाद महिलाओं की सेफ्टी को लेकर पूरे देश में कई सारे सवाल उठ रहे हैं महिलाओं के साथ हो रही दुष्कर्म की समस्या लगभग हर दिन खबरों में आ रही है ऐसे में महिलाओं की सेफ्टी एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है आज मेरी सहेली पॉडकास्ट में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं हेलो रनुभवान मैं हूं आपकी होस्ट दीपा रानी और इस विषय में चर्चा के लिए हमारे बीच मौजूद है डॉक्टर रेनी जॉय जो जानी मानी लॉयर है और एक्स बैंकर है आलिफ फाउंडेशन की फाउंडर है और कई सालों से वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी काम कर रही है So, Dr. Rani Joy, my Saheli podcast. Mein aapka thank you so much. So, first of all, I would like to ask that how are you, ma'am? Very well, and thank you for inviting me. Okay, it's a pleasure that you are here today. And first of all, I must say that you are looking stunning. Thank you. So, are you? <laughs> thank you so much. So, um, ma'am. Uh, so, first, I would like to ask you about your foundation, Alec Foundation. So, can you tell us something about your foundation? आलेग फाउंडेशन वॉज फाउंडेड 10 ईयर्स बैक लगभग दस साल जनवरी में दस साल पूरे हो जाएंगे दो हज़ार पंद्रह जनवरी में हमने आलेख फाउंडेशन स्टार्ट किया uh, इसका रीज़न इसलिए था क्योंकि मुझे लगा कि औरतों के लिए और युवा पीढ़ियों के लिए हमारे को कुछ आगे पढ़ के करना चाहिए बिकॉज आने वाला जनरेशन इंडिया में पॉपुलेशन लगभग सत्तर परसेंट यूथ पॉपुलेशन होने वाला है mm -hmm. और एक परिवार में जब एक महिला अपलिफ्ट uh, होती है जब वो अपने अंदर के एम्पावरमेंट को यू नो जांच लेती है देख लेती है तो वहाँ पे शायद इंडिया का रुख शायद बदले और हम आप प्रगति की तरफ चलें तो वो एक छोटा कदम रखने के लिए हमने आले एक फाउंडेशन के साथ आई सो प्राउड ऑफ यू दैट अ स्टेप एंड आई एम श्योर दैट एम्पावरिंग सो मेनी लाइक यंग लेडीज एंड एवरी वन ऑफ सो एज वी ऑल नो जैसे कि हम सब जान रहे हैं कि आजकल रेप केसेस सेक्शुअल हरासमेंट लाइक दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और लाइक बहुत बुरा लगता है जब हम ये खबरें हर दिन लाइक पढ़ते हैं या देखते हैं तो सबसे बड़ा सवाल जो उठता है कि इसके पीछे क्या रीज़न है जो ये दिन पर दिन बढ़ती जा रही है सारे केसेस वॉट इज़ द मेजर कॉज बिहाइंड ऑल दिस मेरे हिसाब से दो तीन चीज़ें हैं एक Uh, थोड़ा परसेंटेज में ज़रूर रेप केसेस बढ़े हैं uh, शायद उसके पीछे मैं सोचती हूँ कि जो बढ़ती टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है सोशल मीडिया एक्सेसिबिलिटी, इससे जनरेशनल थॉट प्रोसेस में शिफ्ट्स हैं तो जिसके कारण एग्रेशन भी बढ़ रहा है कहीं ना कहीं अब आप चाहे यू नो अल्ट्रा वायल्ट रेडिएशन के कारण कहें या जो उसका कंटेंट देख के जो मोटिवेट होते हैं लोग वो बोलें तो थोड़ा तो वो है बट एक और मेजर रीज़न ये है मेरे हिसाब से कि शायद बहुत सारे रेप केसेस पहले रिपोर्ट ही नहीं होते थे पर अब रिपोर्टिंग थोड़ी सी और बढ़ गई है क्योंकि इतने सारे सोशल मीडिया एवेन्यूज़ बढ़ गए हैं कि शायद एक औरत का अगर रेप होता है तो वो ट्विटर पे तो डाल पा रही है कि ऐसा हुआ या उसके कोई जानने वाले ये डाल पा रहे हैं यू नो you know, किसी ईमेल पे डाल के या किसी साइबर क्राइम को रिपोर्ट करके या क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटिव न्यूज चैनल्स को रिपोर्ट करके कि ऐसा हुआ उनके पास आवाज हाँ आवाज़ पहुंचने के, के जरिए बढ़ गए हैं तो वो पॉजिटिव भी है और तीसरा जो मुझे लगता है कि हम लोग एक पेट्रैकल सेटअप से आते हैं जहाँ पे थॉट प्रोसेस में हमेशा ये रहा है कि यू नो आदमी ही सब कुछ है तो जब वो इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के बीच में घिरता है या उसको लगता है कि उसके मरदानगी पर शायद कोई आ जा रही है तो, तो वहाँ पर तो वो बढ़ता है और वो सेटअप जो है वो अब क्योंकि वर्किंग वुमेन का रेशियो भी ऑलमोस्ट बढ़ता जा रहा है स्पेशली uh, जैसे आपने कोलकाता की बात करी प्राइम सिटीज़ में तो डेफिनेटली बढ़ रहा है वर्किंग लेडीज तो शायद वहाँ पर एग्रेशन के और रीजनस भी आते हैं कि यू नो कॉम्पिटिशन हो सकता है या किसी ने चैलेंज कर दिया हो सकता है तो जब हमारा बेसिक माइंडसेट ये यह है कि आदमी ही ऊपर है तो उसमें जब एक औरत है जब चैलेंज करती है तो इस टाइप के हाथ से आसपास और ज़्यादा भी होने लगते हैं मे बी मैम जैसे कि आपने कहा कोलकाता में फिर दिल्ली में भी हम सुनते कि दिल्ली बहुत ज़्यादा अनसेफ है वुमेन के लिए ज़्यादातर सिटीज़ uh, में हम ज़्यादा सुनते हैं कि चीज़ें हो रही है तो आपके हिसाब से सिटीज़ ज़्यादा सेफ़ हैं वुमेन के लिए या लाइक कंट्री साइड ज़्यादा सेफ़ है या ओवरऑल अगर फुल पूरी कंट्री की बात करें तो क्या इंडिया सेफ़ है आज वुमेन के लिए देखिए रेप केसेस तो बहुत सारे जगह हो रहे हैं ऐसा नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट्स में नहीं होता या यूके में नहीं होता हमारा पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है तो अगर परसेंटेज में देखें येस डेफिनेटली रेप केसेस हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा है ऐसा uh, नहीं है कि सिटीज़ uh, में ज़्यादा है और रूरल में कम है जैसे मैंने बोला कि सिटीज़ में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है राइट जितने लोग काम करने एक सिटी में आते हैं और उसमें जितनी आबादी है वो शायद एक रूरल एरिया से बहुत ज़्यादा है तो और यहाँ पे लीगल फ्रेमवर्क और ज़्यादा स्ट्रांग है कंपेयर टू रूरल लीगल फ्रेमवर्क लोग या औरतें या लोग ज़्यादा अवेयर हैं अपने लीगल राइट्स को लेके तो इसलिए कंप्लेन ज़्यादा हो सकते हैं या यू नो हॉस्पिटल जाना है तो हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज़ ज़्यादा है तो ये सारे चीज़ें होने के कारण कई बार क्या लगता है कि सिटीज़ में ज़्यादा हो रहा है आ, रूरल का इशू ये है कि रूरल में डेंसिटी तो कम है पर रूरल में ना एजुकेशन है कंपेयर टू सिटी ना फैसिलिटीज़ हैं और जो थाट प्रोसेस है वो भी थोड़ा सा दबाव डालने वाले होते हैं कि शायद एक औरत का रेप हो तो उसको ये दो चीज़ें हैं या तो उसको एजुकेशन पर्सपेक्टिव से और लीगल फ्रेमवर्क से यही नहीं पता कि वो रिपोर्ट कर सकती है कि उसका राइट right है कि रेप हो सकता है घर में हुआ हो पति के द्वारा और उसको ये लगता ही नहीं है कि पति के अगेंस्ट कम्पलेन किया जा सकता है तो इसलिए इस टाइप का तो रेप का रिपोर्टिंग होती ही नहीं है जी और दूसरा क्या होता है कि जब रिपोर्टिंग हो गई और वहाँ पे अगर पावरफुल लोग बैठे हैं तो वो लोग लीगल फ्रेमवर्क को वर्क नहीं करने देते इन फेवर पर वो शायद ऑलमोस्ट इक्वलेंट ही रहा है हर जगह एंड uh, ऐसा भी कहा जाता है अगर कोई वुमेन अपने शेल से बाहर निकल के अगर वो uh, वो करेज भी बिल्ड करती है ठीक है मुझे रिपोर्ट करना है बट कई बार हमने देखा है कि वुमेन पे ही लोग क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि आपने ही छोटे कपड़े पहने हुए या आपको क्या ज़रूरत थी उनसे बात करने की या बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको क्या लगता है ये सही है कि हमेशा वुमेन पे ही क्वेश्चन करना नहीं मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ही सही नहीं है हम लोग एक सोशल स्टिग्मा कैरी करते हैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक लेडी के कंधे में डालते हैं कि उसने क्या करना है आ, पर मेरा क्वेश्चन इसमें ये रहता है कि क्या छः महीने के बच्चे का जब रेप हुआ तो उसको पूछा जाएगा कि उसने कितने किस टाइप के कपड़े पहने थे या एक सत्तर साल की औरत का एक बीस साल के लड़के ने किया तो क्या वो पूछेंगे तो शायद जैसे मैंने कहा कि पेट्रियाल सेटअप से बाहर निकल के हमें यू you नो know, एक नए तरीके से सोचना ज़रूरी करना है शायद वो चीज़ को चेंज करना है लड़कियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ये मेरे हिसाब से या आदमियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक माँ की जिम्मेदारी है अपने बेटे को भी सिखाना कि वो महिलाओं को कैसे देखें उनके साथ कैसे पेश आए जी बिल्कुल वैसे आजकल जब से स्पेशली कोलकाता की जो के, केस केस हुई है और भी बहुत सारे इश्यूज़ बढ़ रहे तब अब स्कूल में भी ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ गई है कि लड़कियों को सिखा रहे हैं कि गुड टच क्या होता है बैड टच क्या होता है घर पे भी पेरेंट्स भी बताते हैं कि क्या गलत है क्या सही है तो क्या इतना काफ़ी है जो हमारे जो रेप केसेस बढ़ रहे हैं ये सब कंट्रोल करने के लिए गुड टच बैड टच समझना शायद इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो तब लड़कियों को सिखाया जाता है ताकि वो ये समझे जो हमारे जानकार हैं या हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं अगर उनके इंटेंशन सही नहीं है तो उसको जांचने के लिए जी तो एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है समझाने के लिए आ, और इस पर और वर्किंग करनी चाहिए ना सिर्फ सिटीज़ के स्कूलों में बट ग्रामीण इलाकों में भी बट uh, ये सिर्फ काफ़ी नहीं है गुड टच बैड टच सीखने से रेप का प्रिवेंशन नहीं हो सकते नहीं। रेप तो मर्जी के खिलाफ की हुई चीज़ है यू नो you know, आपको उस पर उस पर आपको सिखाना है तो आपको और चीज़ें सिखानी पड़ेंगी तो लड़कों को क्या सिखानी चाहिए लड़कियों को तो हम बहुत चीज़ें सिखा देते कि ये नहीं करना है वो नहीं करना है। लड़कों को क्या हम पर्टिकुलरली मुझे ऐसे लगता है कि लड़कों को बचपन से जब छोटे जब मॉन्टेसरी स्कूल में बच्चे जाते हैं के से भी नीचे के क्लास में नर्सरी प्ले स्कूल तो जैसे आप उनको सिखाते हैं कि जैसे दादी को प्रणाम करें इसको करें तो वैसे ही उनको सिखाना चाहिए कि लड़कियों को या अपने पेरेंट्स इधर जो भी एज ग्रुप की लड़कियां हैं कि वो इक्वलेंट है पहले कुछ कम नहीं है है ना कि आप तो में तो मर्दानगी का मतलब ये नहीं है कि उनके ऊपर हावी हो जाना है ना मर्दानगी उसमें भी है कि इंग्लिश में एक वर्ड है शिवल ड्रेस होना ध्यान रखना भी मर्दानगी है है ना ध्यान रखना शायद ज़्यादा किसी को मार देने से ज़्यादा मर्दानगी दा किसी का ख्याल रखने में है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में है तो शायद उस चीज़ को सिखाना ज़रूरी है कि लड़की को सिर्फ कपड़े के हिसाब से ना देखें है ना और मेरे ख्याल से एजुकेशन की भी ज़रूरत है।, है जो बढ़ती उम्र के जो लड़के होते हैं जो प्यूबर्टी स्टेज में होते हैं टीन होते हैं उनको करेक्ट एजुकेशन सेक्स एजुकेशन के बारे में करेक्ट इन्फॉर्मेशन देना कि बॉडी में क्या चेंज हो रहा है क्या नहीं है क्या आपके इर्द गिर्द लोगों में हो रहा है वो सिखाना ज़रूरी है जब ये चीज़ें हम शायद आने वाले जनरेशन के बच्चों को स्पेशली लड़कियों को भी सिखाना है लड़कों को भी सिखाना है लड़कों को ज़्यादा सिखाना है ताकि अवेयर रहें कि कैसे डील करना है तो शायद वहाँ पे हम कुछ आगे बढ़ें सो बढ़ेंटिल नाइन्टी परसेंट रेप केसेस आर अनरजिस्टर्ड मतलब लोग जैसे कि हमने पहले भी बात किया है कि लड़कियाँ अपने शेल से बाहर निकल के नहीं आ पाती है करेज नहीं जुटा पाती है तो so, क्या एग्जैक्ट जो नाइन्टी परसेंट फिगर जो हम कहते हैं तो ये इज इट ट्रू और ये फिगर कहना तो बड़ा मुश्किल है बट uh, ये जरूर है कि मेजोरिटी ऑफ केसेस क्लू थ्रू सेवेंटी एट्टी परसेंट ऑफ द रेप्स दैट हैपन एक्चुअली हैपन विद इन द नोन सर्कल आपके अपने आस पास के लोग ही हैं जो वो रेप कर रहे हैं आपके पिताजी आपके भाई आपके कजन चाचा मामा ताया का लड़का बाजू में रहने वाला नेबर आपके साथ पढ़ता हुआ स्टूडेंट आपका टीचर ये सारे केसेस के कारण क्या होता है क्योंकि वो आपके समाज के लोग हैं तो ये केसेस रिपोर्ट नहीं होते क्योंकि ये बात घर के घर में रह जाती है उसको कोई बोलता नहीं है इसके बारे में वही चीज चेंज करना है उनको बोलना चाहिए क्योंकि उनको रोकना है बट मेजोरिटी ऑफ केसेस गो अनरिपोर्टेड बिकॉज दे आर पीपुल यू नो दैट नीड्स टू स्टॉप So like ma'am, for example, if a girl has faced this issue uh, in her family, like for example, if she is like 8 years or 10 years old, but that time uh, she is having fear that not to parents or she reason. Ke but after some years, like you that proper education is awareness comes, then girl has to speak for themselves. Like for example, in her 18 or 20s, she somehow managed to just speak for herself. So 10 years. So is it relevant to speak that time? Or? It is relevant to speak any time, but it is best to speak when it happens. And I think it is also parents' responsibility to monitor your child. बिकॉज ऐसा हो नहीं सकता कि एक बच्चे के साथ रेप हुआ हो या मोलेस्टेशन हुआ हो और उसके बिहेवियर पैटर्न में चेंज ना हो आपने क्लोजली मॉनिटर करना है बच्चा खींचा खींचा रहेगा बात नहीं करेगा डरा रहेगा अगर रेप हुआ है तो फिज़िकल डिस्कम्फर्ट होगा कुछ ना कुछ आसपास हुआ होगा तो आपको आपके बच्चे को मॉनिटर करना और उसका वो देखना बहुत ज़रूरी है स्पेशली अगर घर में ऐसे लोग आपके आते जाते रहते हैं या इस टाइप का होता है आई थिंक मॉनिटरिंग पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पर कब बोलना चाहिए तुरंत बोलना चाहिए बेस्ट सिचुएशन है नहीं बोला तो जब हिम्मत आए तब तो जरूर बोले स्पेशली wow. अर्जेंट है ताकि लोगों को पता लगे वो उम्र घर तो कम से कम बर्ड के जैसे घूमे जिसने गलत किया हाँ ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि बहुत लड़कियां ऐसी भी होती है जैसे अभी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो चुका है सोशल मीडिया जैसे आपने कहा था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी बन चुके हैं उनके साथ अभी जो लड़की काफ़ी उन्हें आइडिया हो चुका होगा बट उनके साथ पास्ट में हुआ होगा तो शायद हमारा तो मी टू मूवमेंट वही था एक तरीके से रेप नहीं भी हुआ तो सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर था मी टू में कितने सारे लोग बाद में आके बोले हैं कि उनके साथ हुआ है और हमारे कुछ मंत्री भी हैं जो सिटिंग कैबिनेट में थे मीडिया से रिलेटेड भी थे और दे लॉस्ट द पोजिशन ऑल्सो

पर सामने तो रख रहे हैं yes. उसके साथ क्या हिम्मत बढ़ रही है आज जिसके मेरे से बोल रहे हैं, तो मैं तो बोल सकती हूँ रेवती जैसे आर्टिस्ट ने आगे आके बोला की उनके साथ हुआ था जब वो छोटी थी तो मतलब आप लगाइए बीस पच्चीस साल गुजर गए होंगे बट उनके वो बोलने के कारण वो किसी ने बोला तभी वो कमेटी बनी तभी रूल बना तभी आज एक्शन हो रहा है दो देर इज ऑल देर इज नो करेक्ट टाइम वेन एवर यू फील राइट इज करेक्ट बट स्पीक बट स्पीक दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एंड वेन एवर यू टॉक अबाउट सेक्शुअल हरासमेंट एंड एनी क्राइम अगेंस्ट वुमेन सो रेप तो है ही सो एनी अदर सेक्शुअल हरासमेंट और क्राइम जिसके बारे में आप डिस्कस करना चाहेंगे रेप के अलावा नॉट आई मीन सेक्शुअल हरासमेंट कैन बीन एनी फॉर यू नो इट कैन बी सेंडिंग पर्वेड मैसेज राइट हैल्सो हरासमेंट हैपन फ्राम पीपल हुनलाइन रिक्वेस्ट एंड देन दे स्टार्ट ऑफ विथ आप कुछ जानते भी नहीं हैं यू नो अगर आप देखें इंटरनेट में अन नोन लोगों से फ्रेंड रिक्वेस्ट आएगा और जस्ट बिकॉज वो लड़की है थोड़ा ठीक है तो रात तो के ग्यारह बजे भी मैसेज आ जाएगा पूछने के लिए और क्या हो रहा है तो आप हेरासमेंट का एक वो स्टेप है उसको वहीं पर रोकना है uh, दूसरा फॉर्म ऑफ रेप है आई मीन देखो एनी दैट एफेक्ट्स यू साइकोलॉजिकली एंड नॉट जस्ट फिजिकली इज अ सेक्शुअल हैरसमेंट राइट किसी ने गंदी बात करी आपसे गंदे okay, से बोला yes. गंदे मैसेजेस फॉरवर्ड करे वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है आपको अपने आप से शर्म आ रही है या बताने लायक कंडीशन में नहीं हो तो वो चीज़ अगर आपको इफेक्ट कर रहा है तो वो सेक्शुअल हैरेसमेंट का पार्ट है एक केस uh, आया था लास्ट एंड uh, में, में मेरे ख्याल से यूके का फर्स्ट साइबर ऑनलाइन रेप केस था गेमिंग प्लेटफॉर्म पे तो द गर्ल वेंट ऑन वर्चुअली एंड दे गैंग रेप्ड बाय द प्लेयर्स इन द वीडियो गेम एंड दैट इज द First online gaming platform gang rape which happened. So rape affects you mentally. What is the repercussion of a rape? It is not just a physical damage, it's the mental damage that you take. So look at the psychology of the person. They went into rape to in a virtual game. They felt that the woman was coming or subdued. So she went through the trauma of a rape where five men got on and virtually did the rape. Really so shocking. So I mean those cases also happen. सो so, मैम जैसे कि आपने कहा स्पेशली यूथ एज में पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए बच्चों पे कि बच्चे की मैंटेलिटी किस तरफ जा रही है माइंड किस डेक्शन में जा रहा है बट हमने देखा स्पेशली आज का ज़माना जो सोशल मीडिया का ज़माना है हर दूसरे बच्चे के हाथ में फ़ोन है एंड पेरेंट्स कंटिन्यूसली तो नहीं चेक कर सकते कि बच्चे क्या देख रहे हैं फ़ोन में क्या सीख रहे हैं सो आपके अकॉर्डिंग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है बॉलीवुड वो क्या रोल प्ले करता है मतलब आपके हिसाब से एंटरटेनमेंट में जिस तरह की मूवीज़ आजकल बन रही है एनिमल जिसमें पर्टिकुलरली वुमेन मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी जस्टिफाइड दिखाया या और भी कुछ चीज़ें जो कि वुमेन के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रही है और बहुत सारे विवाद भी हुए थे इस बारे में सो आपके हिसाब से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी क्या कोई रोल प्ले कर रही है आजकल के यूथ के माइंड को भटकाने में ऑफ कोर्स एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हमेशा से यूथ के ऊपर माइंडसेट सेट को डाइवर्ट करने के लिए हमेशा प्रभाव प्रभावित डालती रही है मूवीज लाइक एनिमल हो गया या कोई भी कंटेंट आप मूवीज़ हो गए ओ टी प्लेटफॉर्म्स हो गए आपके म्यूज़िक वीडियोस हो गए लैंग्वेज हो गए उसमें उसमें जो चीज़ दिखाई जाती है उससे यूथ को मोटिवेशन मिलता है क्योंकि वो उनके आइकन्स होते हैं तो अगर वो इस टाइप की चीज़ करते हैं तो उनको लगता है कूल है तो कबीर सिंह ने थप्पड़ मारा तो वो लगा कि बहुत कूल है कि ये करना चाहिए ये करना गलत नहीं है कि देखो उसके पास तो उसकी वाइफ फिर भी इतना वेट करके वापस आई तो आपको लगता है कि करेक्ट है आप मोटिवेट हो जाते हैं ये सोचने के लिए कि ये ऑप्शन भी ट्राई किया जा सकता है एट द सेम टाइम शायद कहीं पे ये मूवीज़ भी इसलिए बन रही हैं मूवीज़ भी मोटिवेट होती है रियल लाइफ से तो कहीं ना कहीं ये हो रहा है बट ऑफकोर्स एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर होनी चाहिए कंटेंट uh, क्रिएटर्स पे कि इसको कैसे दिखाया जाए और एज ग्रुप पैरामीटर्स में जैसे पी जी रेटिंग्स होती हैं उसको कैसे कंट्रोल करके दिया दिखाया जाए बट uh, मैं ये ज़रूर मानती हूँ आजकल के टाइम पे जब सोशल मीडिया व्हाट्सएप इंस्टाग्राम इतनी सारी चीज़ें चलती हैं कंटेंट मैनेजमेंट कब कितना जल्दी कितने छोटे बच्चे के हाथ में आता है वो मैनेज करना आज की डेट में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है उस पर कंट्रोल रखना क्योंकि आप बच्चे को मोबाइल ना दें तो आप गलत कर रहे हैं बिकॉज़ वो जो बाकी पीयर के साथ कर रहे हैं और एजुकेशन भी वहीं से मिल रहा है तो आप उसको स्टॉप करते हैं और आप कंटेंट कटेल कर, कर दे तो नहीं बट हाँ जहाँ तक हो सके कंटेंट फॉर्म में वॉच रखें चेक करते रहें मोबाइल उठा के कि यू नो हिस्ट्री क्या रही है एक्टिविटी की तो जितना जल्दी जानेंगे उतना जल्दी आप उस पर वर्किंग कर पाए कहीं कर जितना डिले होगा आदत पड़ जाएगी एक बार ही आदत लग जाती है कि एडिक्शन हो जाता है फिर नहीं होता बट यस लाइक इफ द पॉइंट इज कंटेंट आई थिंक मूवीज ओ म्यूजिक वीडियोज़ पॉप कल्चर काफ़ी इन्फ्लुएंस करते हैं सो so, मैम अभी मैं आपसे जैसे कि अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है और बैक टू बैक बहुत सारे फेस्टिवल हैं जिसमें से नवरात्रि फेस्टिवल कौन सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल है एंड uh, हम जो माता दुर्गा को पूछते हैं शी इज़ ऑल्सा फीमेल वॉर्डर्स सो स्पेशली मैंने हमने देखा है कि मैन ज़्यादा पूछते हैं कि माता है एंड uh, उन्हें पूजना है और जब भी घर पे लड़की जन्म लेती है तो लक्ष्मी आई है घर में सो बट अक्सर हमने ये देखा है कि वही सारे मैन घर पे डोमेस्टिक वायलेंस भी कर रहे अपनी वही बेटी जिसको लक्ष्मी बोला है कि घर से बाहर निकलने नहीं दे रहे बहुत सारी चीज़ें भी और रेप केसेस भी उनके तरफ से भी ऐसा होता है कि उनकी तरफ से भी लड़कियों के साथ हरासमेंट वो कर रहा तो ऐसा क्या ये सही है जिस देश में मतलब लड़कियों को पूज रहे हैं उसी देश में मतलब लड़कियों के साथ इतनी गलत चीज़ें हो रही हैं ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ शायद हिपोक्रेसी है है ना हम उस लैंड को बिलोंग करते हैं जहाँ पे हम भारत माँ बोलते हैं जहाँ पे हम देवियों को पूछते हैं ऐसा शायद कोई कंट्री नहीं होगा जिसमें रिलीजियसली पावरफुल गॉडस में से माँ काली के रूप को माना जाता है दुर्गा को माना जाता है कमख्या का देश का है ये आ, हम साल में दो बार नवरात्रे आते हैं उसमें हम पूजते हैं बट हम ये भूल जाते हैं वो अठारह दिन पार होने के बाद की क्या करते हैं है ना हिपोक्रेसी आपने कहा कि घर में लक्ष्मी आई है बोलते हैं बट कितने घरों में लोग खुश होते हैं ये जान के कि बेटी पैदा हुई है ठीक दो रीजन से कुछ लोग इसलिए दुखी होते हैं पुराने टाइम में ये होता था कि दहेज देना पड़ेगा खर्चा हो जाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी आज इससे भी डरते हैं कि वो लड़की के साथ का कितना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी देखना पड़ेगा कि घर से निकलेगी तो क्या होगा है ना बट प्रिडोमिनेंटली हम लोग मेल डोमिनेटेड सोसाइटी ही हैं तो लक्ष्मी बोलना तो अच्छा है जब हो गई शायद ऑप्शन नहीं है पर कितनों को चाहिए तो एक हम एक परफेक्ट हिपोक्रेसी के ऊपर बैलेंस करती हुई सोसाइटी हो गए हैं उस मैंने व, उस माइंडसेट को ही हमने शायद आज चेंज करना है और उसमें आ, सभी घरों की औरतों को भी निकल के कदम बढ़ाने पड़ेंगे बिकॉज एक माँ जब अपने बेटे को अपनी बहू के साथ या अपनी उसकी उसके बेटी के साथ गलत होता देखती है तो वहाँ उस माँ को रोकना ज़रूरी है ये बोलना सही नहीं है कि हमारे ज़माने में भी ये होता था ज़माना बदल गया है जब इतनी सारी तरक्की हो गई है जब आपको कभी लगा नहीं कि फ़ोन उठा के किसी को वीडियो कॉल कर सकते हैं आज से बीस साल पहले आज से बीस क्या शायद दस बारह साल पहले भी नहीं सोचा होगा इतना ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी हो जाएगा बट अगर हम उस चेंज को अपना रहे हैं तो हमें शायद ये चेंज भी अपनाना है कि अगर हम ट्रूली बिलीव करते हैं कि ये लैंड ऑफ गॉडस है तो हमको उस गॉडेस को रिस्पेक्ट करना भी सिखाना चाहिए ठीक तो सही बात सो मैम आपको अगर जैसे कि बहुत सारे केसेस में हम ये भी देखते हैं कि हमारे फैमिली में ही हमारे किसी क्लोज वंस हमारे साथ गलत करते हैं और उस टाइम पे लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है आवाज़ उठाना और क्योंकि हो सकता है वो उसके क्लोज़ चाचा हो या क्लोज़ मामा हो या कोई भी उनके खास सो so, उस सिचुएशन में आप जो यंग लड़कियां हैं जो अपने फैमिली में मतलब लोगों जो उनकी जो पालन पोषण किया गया है उनको हमेशा डरा के दबा के रखा गया है कि नहीं नहीं इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठानी है नहीं बोलना तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे अगर वो आज ये ये पॉडकास्ट देख रही है तो कहीं नहीं सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि चुप ना रहें जब गलत हो रहा है गलत के अगेंस्ट आवाज़ उठाएं क्योंकि अगर आप उस चाचा के गलत टच को ना बोलें तो शायद गलत सिर्फ आपके साथ ना हो आपकी छोटी बहन के साथ भी हो सकता है अगले जनरेशन के साथ भी बिकॉज जब आप गलत को प्रोत्साहन देते हैं तो दूसरे की भी ताकत बढ़ती है उसको लगता है कि अरे इसने तो बोला ही नहीं या ये बोलेगी ही नहीं या मेरे अगेंस्ट क्या बुरा हो सकता है कोई इसकी बात मानेगा नहीं तो जैसे आपने पहले एक क्वेश्चन में पूछा था गुड टच बैड टच घर के लोगों के लिए ये गुड टच बैड टच जानना बहुत जरूरी है बिकॉज जब छोटे बच्चे को आके बोलते हैं कि गोदी में बैठ जाओ और गलत करते हैं आपको वो टच का डिफरेंस जानना जरूरी है ताकि आप करेक्ट टाइम पे उसको आइडेंटिफाई करें कंसर्न रेज करें पेरेंट्स को और पेरेंट्स को बहुत ज़रूरी है कि ये सोशल स्टिग्मा से बाहर हटे और इसके ऊपर कार्रवाई करें कि मतलब अगर आपका फैमिली मेम्बर ही क्यों ना हो बाकी को बताएं डरे ना शायद कंप्लेन करना हो तो बहुत सारे फोरम्स हैं जिसमें जाके कम्प्लेंट किया जा सकता है क्रिमिनल केसेस करे जा सकते हैं आप नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन में जा सकते हैं काफ़ी सारे एक्ट्स गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करे हैं आप उसको एक्सरसाइज करें जब आप आवाज़ गलत चीज़ के ऊपर उठाएंगे तो शायद आप किसी और पांच लोग जो ये करने वाले हैं उनको भी रोकेंगे और दस जिसके साथ ये आदमी दोबारा गलत कर सकता था आप भी। उसको भी रोक पाएंगे मतलब कहीं ना कहीं हम अपनी आवाज दबा के कहीं ना कहीं ये भी गलत है बिल्कुल गलत कि है आवाज दबाना सा... तो सबसे ज्यादा गलत है आप प्रोत्साहित कर रहे हैं आप प्रोत्साहित उस प्रेटर को कर रहे हैं जो ये गलत काम कर रहा है और आप एक्स उस वो क्योंकि हो सकता है आपने कोई नियर फ्रेंड को भी जाके बताया आदमियों को जनरली बहुत ही होता है कि मैनलीहुड uh, प्रूफ करने के लिए होता है ना कि हमने ये किया तो आपको नहीं पता ना कि वो किसको जाके कर रहा है देख हो सकता है एक चाचा मामा ना हो बट अगर आपसे अगर छोटी छः सात साल की बच्ची है और अठारह उन्नीस साल का लड़का कोई पड़ोसी का लड़का जो घर में ऑलमोस्ट ब्रदर लाइक फिगर आता है उसके लिए तो हो सकता है मरदानगी प्रूफ करने का एक पॉइंट हो मॉन लेने जी तो उसको रोकना ज़रूरी है डर जरूरी है हमको नहीं मतलब उस लड़की को नहीं डरना चाहिए और आज की डेट में तो खैर मैं ये कहूंगी कि ये सिर्फ लिमिटेड लड़कियों तक नहीं है ये लड़कों पर भी हो रहा है तो गुड टच बैड टच तो सारे बच्चों को ही सिखाना चाहिए बिकॉज आपको नहीं पता कि वो किधर से आएगा सो मैम पेरेंट्स की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने बच्चे को हमेशा गाइड करे कि क्या सही है क्या गलत है साथ ही साथ अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उनके लिए आवाज़ उठाए उनके लिए खड़े रहे बट जो मेन बार बार हमेशा हम पीछे हटते हैं वो ये सोच के कि सोसाइटी क्या सोचेगी चार लोग क्या बात बनाएंगे तो पेरेंट्स के साथ साथ ये सोसाइटी का क्या कर्तव्य है ये मतलब सोसाइटी क्या रोल प्ले करती है कि उन्हें अपनी मैंटेलिटी किस हद तक चेंज करनी चाहिए कि जो लड़कियां ये फेस कर रही है ये इश्यूज कि वो भी एक बार मतलब कॉन्फिडेंट होके अपने शेल से बाहर निकल के ये ना आज सोचे कि सोसाइटी क्या सोचेगी बट बल्कि ये सोचे जो मेरे साथ गलत हुआ है उसके खिलाफ मुझे आवाज़ उठाना है और जिसने गलत किया है उससे सजा देना देखिए इस क्वेश्चन का आंसर मैं ऐसे बताऊंगी सोसाइटी मैं भी फॉर्म करती हूँ सोसाइटी आप ही फॉर्म करते हैं है ना जी और उस सोसाइटी में चेंज लाने के लिए मेरे को सबसे पहले आपको नहीं चेंज करना है उस सोसाइटी में चेंज लाने के लिए मुझे पहले अपने आप को सही करना है है ना तो जब मैं आवाज़ उठाऊंगी या जब मुझे लगेगा कि अगर मैं एक छोटी बच्ची होती और अगर मेरे पेरेंट्स मेरे साथ खड़े होकर आवाज़ उठाते वो एज अ पेरेंट्स का दायित्व बन के कि वो आवाज़ उठाएं कि बेटी के साथ गलत हुआ है जब वो पहला कदम उठाएंगे तो सोसाइटी हो सकता है कि नाराज़ हो पर उस सोसाइटी में से ही हो सकता है कोई और लड़की भी निकल के आए बोले कि उसके साथ हुआ था हो सकता है कि आवाज़ ना दबे अगर हम इसी फियर से रहते तो मैं हमेशा एक एग्जाम्पल सबको देती हूँ कि पहले दूसरी शादियाँ नहीं अलाउड थी वेमेन के लिए है ना सम्बडी लाइक राजा राम मोहन रॉय केम एंड चेंज दैट अब तो बहुत ही कॉमनली एक्सेप्टेड है उस टाइम पे नहीं था है ना उस टाइम उस के सोसाइटी के लिए तो सोचने लायक बात भी नहीं थी तो सोसाइटी में चेंजेस तो हम और आप लाते हैं तो पहला कदम सोसाइटी में हमारा है हम पहले जब ये हमारे घर में गलत हुआ है हम उसके तरफ आवाज़ उठाएं uh, सबसे बड़ा प्रॉब्लम रेप केसेस हो गया या आपके यू नो इन हाउस मोलेस्टेशन केसेस या रेप से विद इन द हाउसेस के इश्यूज हो गए उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है एक लड़की या लड़का भी हो आज के टाइम पे वो ये सोचता है कि वो प्रूफ कैसे करेगा कि मेरे साथ ये हुआ मैंने बोला एक सात साल का लड़का बोले कि या लड़की बोले कि मेरे साथ इन्होंने छेड़छाड़ किया और एक आप ही का भाई मदर का छोटा भाई अगर उसने एक मामा ने किया है तो बच्चे को भी लगेगा कि विश्वास तो मामा का किया जाएगा है ना और मामा को भी इस चीज़ का कॉन्फिडेंस है कि मेरा ही किया जाएगा तो कहीं ना कहीं हमें सोसाइटी में ये डिफरेंस लाना है कि पहले ध्यान से सुने समझें दोबारा रिपीट करा के बुलाएं कम्फर्ट दे कि आप सच बोल सकते हो सच बोलने में चाहे वो कितना भी खराब क्यों ना हो रिएक्शन हम प्रैक्टिकल स्टेप्स लेंगे और आपके साथ खड़े हैं तो आई थिंक जब वो चीज़ होगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि आवाज़ उठा सके और जब आपको पता ही है कि गलत हो रहा है तो ऐसे किसी आदमी को क्या बचाना सर so, मैम जैसे कि आपने कहा कि कानून हमेशा हमेशा सबूत मांगती है सो so, मैम जैसे कि आपने कहा कि कानून हमेशा सबूत मांगती है एंड यू आर ऑल्सो अ लॉयर सो जब भी ये केस होता है रेप विक्टम्स जो होती है ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा इमोशनली रेस्ट होती है सो uh, so, क्या चैलेंजेस वो और उनकी फैमिली फेस करते हैं जब उनके ऊपर इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं कि आपको ये चीज़ प्रूव करना होगा सो so, आप कुछ उन्हें गाइड कर सकते हैं या क्या चीज़ ध्यान रखना चाहिए वो फैमिली को कि वो जब भी लीगली रिपोर्ट करें तो ये पॉइंट्स उनको ध्यान रखनी चाहिए कपल ऑफ थिंग्स देयर जैसे एविडेंस के फॉर्म में करेक्ट टाइम पे मेडिकल चेकअप होना ज़रूरी है तो इसलिए उसको डिले ना करें अगर कोई चीज़ हुआ तो उसकी करेक्ट वो करें क्योंकि प्रूफ मिलने के लिए आसान रहेगा जनरलीगल प्रोसेस इसलिए भी वीकन हो जाते हैं कि विकनेस नहीं है या चीज़ें नहीं हैं तो वो वीकन कर देती हैं केस को बिकॉज आप किसी के अगेंस्ट क्रिमिनल चार्ज लगा रहे हैं तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि वो हुआ था तो उसके दायरे में रह के जो चीज़ आप कर सकें जो मतलब जितना आपको अवेयर हो जितना जल्दी रिपोर्टिंग हो तो कई बार तो वही बेनिफिशियल रहता है तो इसलिए uh, एल्डर्स को बताना या किसी को भी इमीडिएटली इमिडियटली बनाना ताकि आप तो प्रूफ क्रिएट कर रहे हैं कि इमीडिएटली होते ही आपने इसको बताया इसको पता था कि नहीं उस टाइम पे जज करना कि वो बंदा किधर था किधर नहीं था वो थोड़ा आसान हो जाता है तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए और इमीडिएटली क्रिमिनल केस के लिए मूव करना चाहिए चाहे आप मेल करें चाहे आप पास के पुलिस स्टेशन जाएँ आपको पूरा सपोर्ट है बिकॉज दो में एक्ट चेंज uh, हुआ था जिसमें काफ़ी सारे प्रोविजनिंग हैं एक्चुअली रेपिस्ट को प्रोसिक्यूट करने के लिए तो हमें बस उसको एक्सरसाइज करना है इसलिए आपको जानना है कि आपका अधिकार क्या है और उसकी रिपोर्टिंग करनी है सो मैम अकॉर्डिंग टू यू करेंटली वॉट आर द लॉज लाइक फॉर द रेप रेपिस्ट मतलब उनके अगेंस्ट क्या लॉज अभी है और क्या कुछ चेंजेस लाने हैं फ्यूचर में देखिए अभी जो लॉज हैं वो सेक्शन थ्री सेवेंटी सिक्स टू थाउजेंड थर्टीन के एक्ट में तेरह के एक्ट में जो चेंज हुआ था वो uh, कड़ी से कड़ी सज़ा देता है अगर स्पेशली अगर डेथ हो चुका है तो ट्वेंटी इयर्स ऑफ रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट बीस साल की सज़ा लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है तो ऐसा नहीं है कि लॉ प्रिवलेंट नहीं है दिक्कत हमारी जो आज की प्रॉब्लम आ रही है वो दो या तीन है वो पहला जुडिशियल uh, केसेस बहुत धीरे चलते हैं हमें फास्ट ट्रैक कोर्ट्स चाहिए जो इसमें क्विकर पनिशमेंट्स दे सकें अगर इस केस बहुत लंबा खिंचता है तो कोई भी अगर एक इक्कीस साल की लड़की का रेप हुआ है और केस दस साल चलेगा उसका चांसेस है कि उसके बीच में शादी होगी वो बीच में आएगा तो लोग वीकन हो जाएंगे केस लड़ना नहीं चाहेंगे तो हमें फास्ट ट्रैक लॉज चाहिए जो कोर्ट्स चाहिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स चाहिए जो इस लॉ को इम्प्लीमेंट जल्दी कर सकें पुलिस स्टेशंस जब जाते हैं एक्ट्स अवेलेबल हैं पर पुलिस को एक्शनिंग की इमीडिएटली बहुत ज़रूरत है uh, तो आई थिंक कॉन्फ्लुंस ऑफ ये दोनों चीज़ें मिला के जो है वो इम्पोर्टेंट है और तीसरा पॉइंट मुझे ऐसा लगता है uh, जो हमारे इसमें है जब एक रेपस को सज़ा भी हो जाती है और ऐसे जो बड़े बड़े केसेस होते हैं जिनमें हमारे धर्म गुरुज रहे हैं जो टू से रेप चार्जेस में गए हैं तो ब, उनको ये जो पेरोल्स मिलते हैं उस पर थोड़ी रोक टोक होनी चाहिए क्योंकि अगर एक रेपिस्ट को दिखता है कि चल ये बड़ा आदमी रेप किया इतनी बड़ी सज़ा होगी पर वो इतने आराम से निकलता है उस पर कहीं ना कहीं रोक टोक होनी चाहिए ताकि पता लगे कि सज़ा का मतलब सज़ा रहे ये नहीं कि हमने घूमने के लिए बीच में निकल आए तो कहीं ना कहीं मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हमें पेरोल के लॉ स्पेशली विद रेप केसेस थोड़े स्ट्रिंजेंट करने चाहिए और ज्यादा स्ट्रिक्ट होने चाहिए कि सो सो मैम व्हाट आर द लीगल मिसकंसेप्शंस अबाउट रेप दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड करेंटली कपल ऑफ पॉइंट्स वन इज कंसेंट कंफ्यूजन कि किस चीज को हां माने किसको नहीं कि मतलब उसने ठीक से ना नहीं बोला तो मेरे को लगा कि हाँ है पर वो रेप था yes. तो वो अमिताभ बच्चन की मूवी का था Pink. पिंक का नो मी नो मीन नो तो आई थिंक कंसेंट कंफ्यूजन एक बड़ा मिसकंसेप्शन है so, तो उसको क्लैरिफाई करना उसको समझाना दूसरा विक्टिम ग्लेमिंग लड़की ने छोटे कपड़े पहने इसलिए उसका रेप हुआ वो रात में ग्यारह बजे उसको क्या जरूरत थी केमिस्ट के पास जाने की है ना इसलिए रेप हुआ वो विक्टिम की गलती नहीं है कि रेप हुआ मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी बोला कि छः महीने बच छः महीने के बच्चे ने तो नहीं सोचा था छोटा स्कर्ट पहनना है कि नहीं पहनना फिर भी रेप हुआ हाँ एक सत्तर साल की औरत जिसका शायद मेनो पॉज खत्म हो गया आपकी दादी हो सकता है परनानी की भी उम्र की हो उसका भी रेप हुआ तो विक्टिम ब्लेमिंग तो नहीं हो सकता 11 बजे वो सड़क में गई उसको दवाई खरीदनी जरूरी थी शायद केमिस्ट के गई इमरजेंसी वो रात में गई इमरजेंसी में वो उसकी गलती है आपने क्यों उसको गलत नजर से देखा वो गलती नहीं है ठीक exactly. है तो दूसरा विक्टिम ब्लेमिंग हो गया कंसेंट हो गया तीसरा मैरिटल रेप जैसे शादी मेरी हो रखी है तो मेरी वाइफ मुझे मना नहीं कर सकती उसका काम है कि जब मुझे कोई चीज़ चाहिए तो वो मेरे को मिलना चाहिए मेरे चाय कॉफ़ी के जैसे ही है ना सुबह पाँच बजे चाय चाहिए शाम को छः बजे कॉफ़ी चाहिए तो उसका हिसाब बिल्कुल ठीक होना चाहिए मैं काम से वापस आया और मुझे लगता है कि मुझे चाहिए तो उस टाइम सेक्स होना चाहिए ज़रूरी नहीं है अगर एक औरत का मन नहीं है तो मैरिटल रेप कहलाता है ये आपने उसके मर्जी के अगेंस्ट किया इससे मतलब नहीं है और उसी का एक नेक्स्ट uh, फॉर्म है आप रेप तो एक प्रॉस्टिट्यूट का भी नहीं कर सकते जबकि उसका प्रोफेशन है ठीक है उसका प्रोफेशन होने के बाद भी अगर उस दिन उस समय उसने मना किया है और आपने जबरदस्ती करी है तो वो जबरदस्ती ही है और वो रेप ही है तो ये एजुकेशन सबको जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या डेफिनेशन है तो मिसकनसेप्शन ये गलत गलत फहमी है कि बीवी मेरी है तो मैं ये कर सकता हूँ छोटे कपड़े पहने हैं तो मैं ये कर सकता हूँ ये मिसकनसेप्शन दूर करने हैं एंड मैम वट प्रिवेंटिव मेजर्स अ वुमन कैन टेक फॉर हस्से टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ इशूज लाइक अगर वो रात में जा रही है जैसे अपने का इमरजेंसी है बट खुद की सेफ्टी भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ऑफकोर्स हम इस बारे में बात कर रहे हैं बट uh, धीरे धीरे चीज़ें बेटर होगी हमें हम इस चीज़ आशा करते हैं बट अभी अगर आप वुमेन को कुछ मैसेज देना चाहें अगर वो रात में घर से बाहर निकल रही है या अकेली कहीं सड़कों में चल रही है तो ख़ुद की सेफ्टी के लिए वो क्या चीज़ें कर सक कम्युनिकेशन डिवाइस अपने पास हमेशा रखें बता के जाए, गलत इंफॉर्मेशन ना दें ताकि लोगों को पता हो कि इतने टाइम के लिए गई इतने टाइम तक आना चाहिए था अगर उसके बीच हुआ द फेमस पेपर्स स्प्रे शायद ज़रूर yes. रखें बट एक स्टेप आगे मेरे ख्याल से सेल्फ डिफेंस टेक्निक हर औरत को सीखनी चाहिए okay. अपना प्रोटेक्शन करने के लिए आई थिंक मैंडेट्री कर देना चाहिए स्कूल में बच्चों को चाहे पसंद हो चाहे पसंद नहीं हो जैसे राष्ट्रगान सिखाते हैं वैसे सेल्फ डिफेंस टेक्निक नॉट टू हार्म बट टू प्रोटेक्ट शुड बी टॉट इन स्कूल मैम ओवरऑल डू यू थिंक दैट स्कूल में इमीजियली किस तरह से हमें बच्चों को एजुकेट करना चाहिए इट्स नॉट अबाउट कि हमें लड़कियों को ही सिखाना चाहिए कि गुड टच बैड टच या सेल्फ डिफेंस या लड़कों ने? को ही बताना ने? चाहिए कि रिस्पेक्ट ओवरऑल आपके हिसाब से एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलाव लाना चाहिए हमें एजुकेशन सिस्टम में बदलाव थॉट प्रोसेस का पेट्रियाल सोसाइटी से अलग हटके इक्वालिटी की जेंडर इक्वालिटी की शिक्षा सही दी जाए Uh, जैसे मैंने बोला मिसकंसेप्शन कंसेंट मिसकंसेप्शन उसके बारे में बचपन से सिखाया जाए कि इसका मतलब ये नहीं है अजम्पन्स नहीं कर दें हमने अज्यूम नहीं करना दूसरे के लिए है ना mm. कि आपने मुझे पूछा कि चाय तो पीनी ही होगी क्योंकि चार बज गए हैं नहीं नहीं पीनी थी चाय ठीक mm. है तो कंसेंट का मिसकसेप्शन दूर करें और कहीं ना कहीं स्कूल कॉलेजेस में एक एवेन्यू ज़रूर ओपन होना चाहिए कि जो स... जिसकी अगेंस्ट हरासमेंट हुआ है उसको बिना डरे रिपोर्टिंग के स्ट्रक्चर्स बिल्कुल ईजिली करा जाए और काउंसलिंग दी जाए कि आप इमीडिएटली इसको रिपोर्ट करें और बिना फियर के रिपोर्ट करें तो मैम जो रेप विक्टिम्स होता है सो जो हमारे एन जी ओज है सो उनके लिए वो क्या स्टेप्स लेती है कि वो सोसाइटी में उनको बाद में भी फेस करना है फ्यूलेसली फिर से वही सड़कों में चलना है एन जी ओ का आई थिंक एन जी ओ का काफ़ी रोल रहता है पहला आ, रोल एन जी ओ का ये होता है कि बहुत सारे लोग आगे चल के रिपोर्टिंग नहीं करते स्पेशली जो पिछड़े वर्ग के होते हैं जिनके पास मॉनिटरी सपोर्ट नहीं होता कि वो रिपोर्टिंग करें तो उसको लीगल असिस्टेंस का सहारा देना आ, करेक्ट एजुकेट कराना कि लीगल असिस्टेंस कैसे मिले क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि लीगल असिस्टेंस सिर्फ पैसे से दिया जाए बहुत सारे कोर्ट अपॉइंटेड प्रो बोनो केसेस के लिए लॉयर्स अपॉइंट किए जाते हैं रेप सर्वाइवर्स के लिए तो पर आधे लोगों को जानकारी नहीं होती पर अगर एक एन साथ में लगा हो वो सोसाइटी में एजुकेशन पैरामीटर्स के लिए वर्क कर सकता है इन लोगों के साथ जुड़ के काम कर सकता है एन जी काउंसलिंग का रोल कर सकते हैं क्योंकि उनके पास काफ़ी सारे प्रोबोनो uh, मतलब फ्री में uh, काम करने के लिए सहायता के लिए एजुकेशन पर्पज़ के लिए साइकोलॉजिस्ट वर्क करते हैं जो प्री स्टेज जब रेप हुआ हो उसकी रिपोर्टिंग के दौरान आपके साथ रहे क्योंकि उस टाइम पे मेंटल फ्रेमवर्क अलग होता है और एक रेप हो जाने के बाद और इस पूरे लीगल प्रोसेस से जब बंदा चल रहा होता है और आ, अपने फैमिली को फेस करता है सोसाइटी को फेस करता है तो अपने साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए आई थिंक एन कैन प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल थर्ड एन बहुत प्रोमिनंट रहते हैं गवर्नमेंट के साथ पॉलिसी डिसीजन मेकिंग के लिए जैसे निर्भया केस जब हुआ तभी 2013 का हमारा नया एक्ट आया जिसमें लाइफ इन इम्प्रिजनमेंट ऑफ देट सेंटेंस भी एप्लीकेबल हुआ स्पेशली जब रेप से इस टाइप के भूटुल मर्डर्स हो जाते हैं मतलब यू किल द पर्सन लाइफ या वेजिटेशन स्टेज पे लाके रख देते हैं मतलब जिंदा तो है पर मरने लायक yes. स्टेज तो इस टाइप के उसके लिए क्या होता है कि जब बहुत सारे केसेस होते हैं तो इनको क्योंकि ग्रास रूट लेवल में पता होता है तो गवर्नमेंट के साथ मिलकर पॉलिसी मेकिंग डिसीजन लेवल पे एनजीओस काफी प्रोमिनेंटली वर्क कर सकते हैं और करते भी हैं तो इसलिए एनजीओ uh, का रोल काफी इम्पोर्टेंट uh, ऐसे चीजों में रहता ही है एंड जैसे कि अभी रिसेंटली बहुत ही बड़ा केस हुआ है कोलकाता हुआ है सो कुड यू प्लीज थ्रो सम लाइट वट इज योर ओपिनियन रिगार्डिंग ऑल दिस मैटर तो आई थिंक कैलकटा रेप केस हो गया या निर्भया हो गया या बॉम्बे में एक कौन से एक मिल में एक जर्नलिस्ट का गैंग रेप हुआ था अगर इस टाइप के रेप्स देखें तो ये क्या होता है ब्रूटल रेप फॉर्म्स कई बार जब निकल के आते हैं तो सोसाइटी में हलचल मचती है रेप्स तो लगभग लग रोज ही होते हैं मतलब इस कैलकटा रेप केस के बाद हम लोग बहुत आए दिन पेपरों में पढ़ते थे छः महीने के बच्चे का हो गया तेरह साल की लड़की का फादर ने कर दिया उत्तराखंड तो में किसी का ये कर दिया बट कई बार क्या होता है कि बहुत जब ब्रूटल फॉर्म में होता है रेप तो उसके बारे में हुकार काफ़ी मच जाती है सोसाइटी हिल जाती है तो एक बार में लगता है कि क्योंकि और शायद बर्दाश्त करती भी आ रही होती है तो वो एक हद पार हो जाती है तो सोसाइटी सब साथ में खड़ी हो जाती है जो जरूरी है चेंजेस के लिए और उसके लिए तो जहाँ तक कोलकाता केस की बात है वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मुझे लगता है जो अभी रिसेंट हियरिंग्स में आ रहा है कि सी ने ये बोला है कि फाइनेंशियल मिसकंडक्ट रहा होगा हो सकता है उस डॉक्टर को जो लेडी जिनका रेप हुआ उनको ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन पता थी जिसके लिए उनको लगा कि रस्ते से हटा देना चाहिए बट सैड पार्ट ऑफ सोसाइटी ये है शायद उनकी जगह एक आदमी होता तो शायद उसका सिर्फ मर्डर होता बट क्योंकि वो एक औरत थी इसलिए चार लोगों को लगा कि मारना तो था ही इसे बट क्यों ना इसका रेप कर दिया जाए अपना पावर दिखाने के लिए ये एक्स्ट्रा प्रूफ करने के लिए कि औरत रहते हुए तुमने शायद धमकी क्यों दी कुछ जानने की तो ये माइंडसेट चेंज होना बहुत जरूरी है और यही दुख की बात है हमारे कंट्री के लिए कि इस टाइप से औरतों पे चीजें होती हैं थैंक यू सो मच मैम फॉर शेयरिंग योर पॉजिटिव positive response to us and we are grateful that you have given your and we expect you to share your feedback and opinions more in future thank you so much Papa. thank you so much for inviting me i'm glad to speak to you